तू? हम इन्हें जानते हैं कि तू हमारी बॉस है। अरे जिन्हें तुम मॉन्स्टर बॉस कहती हो, यही तो है वो। अनंदिता बोस, हमारी मम्मा मिल गई। ये बुद्धू, तुम्हारी मम्मा मिल गई है। ये उर्वी, अभी अभी चलो हमारी मम्मा के पास। मम्मा मिल गई। मुझे ये घर छोड़ना होगा राखी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। दरवाजा खोल दीजिए ना, हमें अर्जेंट काम है। आई एम सॉरी मैम, हम दरवाजा नहीं खोल सकते चाहे कितना भी अर्जेंट काम। अरे हम दो मिनट के लिए तो कह रहे हैं, और आप हमें जानते हैं ना, हम यही काम करते हैं। रूल रूल है मैडम जी, बिना अरोसर के परमिशन के हम दरवाजा नहीं खोल सकते, हमारी नौकरी चली जाएगी। आप जानते हैं ना बॉस कितने कड़क हैं। ऐसा मत बोलिए अंकल, हमारे पास भी एक ही मम्मा है। अंकल हम उन्हें इतने दिन से ढूंढ रहे हैं, फिर भी वो हमें नहीं मिल रही है। अब हम क्या करें? नहीं नहीं भूतू, रो मत, हम है ना, कुछ करते हैं, ठीक है? भूत? क्या भूतू, आप किससे बात कर रही हैं मैम? किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना। एक छोटी सी 7 साल की बच्ची आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज बहुत अर्जेंट काम है हमें, और आपके भी तो घर में बच्चे होंगे, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, आप जाइए यहाँ से, जाइए। नहीं भूतू, इस वक्त हाथ जोड़ने का नहीं, हाथ तोड़ने का वक्त है। हम कह रहे हैं आपसे, दरवाजा खोलिए। छोटी बच्ची की हाय लगेगी आपको। अरे मैम छोड़िए उसे, छोड़िए, क्या कर रही है? अरे अरे बाहर चलिए, बाहर चलिए आप। अनंदिता हमें पता है सुबोध मना कर रहा है, वो डरा हुआ है, पर ऐसा क्या है तुम सुबह नहीं जा सकती, ऐसी रात में जा रही हो? नहीं, सुबोध इससे पहले कभी इतना पैनिक नहीं हुए हैं, ऑलरेडी 4 बार मुझे कॉल कर चुके हैं। आई एम श्योर इन सब का हमारी एक्सीडेंट से कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है। मैं अब और नहीं रुक सकती राखी, मुझे जाना होगा। टेक केयर, प्लीज ध्यान रखो, बाय। चलिए बुलबुली, अब हम क्या करें, कैसे ढूंढेंगे अपनी मम्मा को? ऐसे
एड्रेस मिलेगी, क्या होगा? भूतू, एक तरीका है। कैसे? सुच्ची के फोन, और वो भी इस वक्त। हाँ सुच्ची, बोलो। हेलो सर, हमें आपकी हेल्प चाहिए। इस वक्त? सुच्ची, तुम ठीक तो हो ना? सर, हम ऑफिस के बाहर खड़े हैं। ये लोग हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। बहुत अर्जेंट काम है, आप प्लीज इनसे कहिए ना दरवाजा खोलने के लिए। सुच्ची, तुम ऑफिस के बाहर हो इतनी लेट? Is everything okay? आप सिर्फ हमें इतना बताइए, आप ऑफिस खुलवा सकते हैं या नहीं? सुच्ची, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इतनी रात को ऐसा कौन सा काम आ गया जो तुम्हें ऑफिस खुलवाना है? हम जानते हैं ये कभी किसी की हेल्प कर ही नहीं सकते। आरव सर का फोन है। हेलो सुच्ची, हम तुम्हारी हेल्प तब कर सकते हैं जब तुम कहोगी। बोलो क्या हेल्प चाहिए? कुछ करो ना। हमें अनंदिता मैम का एड्रेस चाहिए, बहुत जरूरी काम है। इट्स वेरी अर्जेंट। अनंदिता का एड्रेस? आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट सुची। बस इतना समझ लीजिए, किसी को उनकी बेसब्री से तलाश है। सुची, तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत हो, हम अभी तुम्हें अनंदिता का एड्रेस भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। भूतू, तुम्हारी मम्मा मिल गई है। उर्वरी, सच्ची ना, तुम्हारी मम्मा मिल जाएगी ना अभी? अब तुम्हें अपनी मम्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, चलो। कहाँ गई? कहाँ गई? इसी में तो रखा था हमने। कुछ छूट गया क्या मैडम जी? हाँ ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी घर की तरफ घुमा लीजिए। जी। मेरी बेटी का फोटो लगता है वहीं छूट गया, जल्दी यू टर्न लीजिए। जी। हम अनंदिता मैम से मिलने आए हैं। तुम आज अभी जॉब से रिजाइन कर दो, वरना ये शहर छोड़ दो, हमारे हैं तुम्हें लेने के। आई एम श्योर इन सब का हमारी एक्सीडेंट से कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है। राखी जी, हम अंदर आ जाएं? नहीं सॉरी। मैम से बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए हम यहाँ पे। अब यहाँ पे नहीं रहती। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हमारी मम्मा यही है। हम देख, मम्मा, हम आ गए। बुलबुली जल्दी आओ ना। यहाँ नहीं रहती मतलब? तो कहाँ रहती है? कहाँ ना, चली जाओ यहाँ से, जस्ट लीव। बोलिए अनंदिता मैम को क्या हुआ है? हम ऐसे नहीं जाएंगे। कहाँ है अनंदिता मैम? कहाँ है, यहाँ नहीं रहती। क्या, हमें अंदर आना ही पड़ेगा अब क्या? बुलबुली, देखो मम्मा की साड़ी, पापा यही है। थोड़ा और जल्दी चलाइए ना प्लीज।
जी चला रहा हूँ। नहीं, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। हमें हमसे कुछ छुपा रही हैं राखी जी। बुढ़ी, अंदर आओ ना। पारी मम्मा की साड़ी मिल गई। आज एक बच्चे को उसकी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा और जल्दी लीजिए ना। जी मैडम। अजीब लड़की है, ऐसे कैसे किसी के घर में घुसी चली आई। आनंदिता मैम, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? कहाँ है वो? बताओ हमें कहाँ है। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट गेट आउट। आनंदिता मैम, हम सुची। जस्ट लीव। हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ जरूर है। हमारी बात सुनो। ये देखो। क्या है दरवाजे के पीछे? वो ही है हमारी मम्मा। तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम निकलो यहाँ से। दरवाजे के पीछे क्या है? अजीब लड़की है। निकलो यहाँ से। आप हमें बताइए उस कमरे में क्या है? इस तरह किसी के घर में नहीं घुस सकती हो। लेकिन हम तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। आनंदिता मैम से मिलने आए, हमें जानना है उस दरवाजे के पीछे क्या है। मम्मा, निकलो, छोड़ो हमें। अजीब लड़की, आओ ना। छोड़ो हमें। सुची, तुमने हमें मजबूर किया। हमें पता है वो यहीं पर ही है। भाई जल्दी काम निपटाओ, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। हैं मैडम, गाड़ी के 3 टायर पंचर हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा बैड डे है। हमें वापस नहीं चलना चाहिए। नहीं, हमारा मन कहता है कि हमारी पीहू वहीं होगी। क्या? हमारा मतलब हमारी बेटी पीहू की फोटो वहीं होगी, और हम हमारी बेटी के फोटो को छोड़कर और कहीं नहीं जा सकते। वापस तो हमें जाना ही होगा। देखिए, हमने कोई चोरी या डकैती नहीं की है। अरे, हम आनंदिता मैम से ही मिलने आए थे यहाँ पर। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं किया हमारी बुड़बुड़ी ने। छोड़ दो हमारी बुड़बुड़ी को। राखी, क्या कर रही हो तुम और क्यों कर रही हो? इन्हें कस्टडी में रखिए। आप इन्हें कस्टडी में नहीं रख सकते। इनके बॉस हैं, इन्हें अभी भी बताया हमने। इंस्पेक्टर, आप जानते हैं ना, आप एक लड़की को बिना FIR के इतनी रात को अरेस्ट नहीं कर सकते। ये लॉ है, आई होप यू नो। छोड़ दो उसे। बाद अगर हमें
या आनंदिता को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे मिस्टर आरव रंधावा। चलो सुची, इतनी रात को अकेले जाना सेफ नहीं होगा, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। नहीं, हमारा स्कूटर है। हमारा ड्राइवर तुम्हारी स्कूटी कल घर छोड़ देगा। जरूरी काम था जो तुम इस वक्त आनंदिता से मिलने निकल पड़ी। वो पर्सनल ऐसा। ठीक है, कल सुबह ऑफिस में आनंदिता से मिल लेना, वो ऑफिस तो आएगी। जल्दी से जल्दी अपना रेजिग्नेशन लेटर मेल करो, अपना सारा सामान पैक करो और जितना जल्दी हो यहाँ से निकलो। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, एक रात में ऐसा क्या हो गया कि सुची तुमसे इतना डेस्परेटली मिलना चाहती थी। सुची, सुची हमसे क्यों मिलना चाह रही है? गॉड, ये हो क्या रहा है?
पर मैं क्या मिस्टेक की है कि हम अपनी मम्मा से मिल नहीं पा रहे हैं।